हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके हूँ एलिन एक्सपोर्टर्स का ह्यूमिडिफायर। ये एक अल्ट्रासोनिक कैटेगरी का 2.4 लीटर का ह्यूमिडिफायर है। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं और उनको आए दिन सर्दी जुकाम हो जाता है, या फिर किसी पर्सन को आपके घर में साइनस की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए दोस्तों ये वरदान है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने पाया है कि अगर एटमोसफेयर में एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे तो बैक्टीरिया कम ग्रो होते हैं, और ऊपर से ये जो ह्यूमिडिफायर है ये नमी बनाए रखता है और म्यूकस को सूखने नहीं देता, मतलब कि बलगम को सूखने नहीं देता। अगर नाक में कंजेशन हो, नाक बंद हो, नींद नहीं आ रही हो, तो ये आपकी नाक को खोलता है। गला अगर आपका सूखता है तो उसके लिए भी दोस्तों ये वरदान है। ड्राई स्किन के लिए और डैंड्रफ के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। अगर कोरोना वायरस की बात करें तो अभी तक इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। तो ये है एलिन एक्सपोर्टर्स का ह्यूमिडिफायर। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिज़ाइन को, लुक को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट लेने लायक है। मैं हूं डॉक्टर भुवेश और आप देख रहे हैं BCD टेक यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक BCD टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी यूट्यूब ऐप पर सर्च करें BCD टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एलिन एक्सपोर्टर्स का ह्यूमिडिफायर आता है कुछ इस टाइप की पैकिंग में, स्पेशलिटी पैकिंग है। चार कलर ऑप्शंस में ये ह्यूमिडिफायर आता है, गोल्ड, वाइट, पिंक एंड वायलेट। स्पेशलिटी पैकिंग, क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफ हाई क्वालिटी क्वालिटी। अब क्या कहना चाहते हैं समझ में आ रहा, कैसा ह्यूमिडिफायर दिखता है यहाँ पर दिखाया गया है। इस साइड प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर। पावर है 25 वाट की, वोल्टेज 220 वोल्ट, कैपेसिटी 2.4 या फिर 3 लीटर की, मैक्सिमम फॉग ग्रेटर देन 380 ml पर एच है, नॉइस लेस देन 35 dB की है, और यहाँ पे मेजरमेंट लिखी हुई है और किन किन को ये सर्टिफाई करता है यहाँ पर बताया गया है। इस साइड एक स्टिकर है जिसमें ब्रांड के बारे में बताया गया है, कहाँ इनका ऑफिस है। MRP है बॉक्स में 2,999 रुपीस, बट ये आपको अमेजन पर अराउंड 2100-2200 रुपये तक का मिल जाएगा, और यहाँ पर इसकी नोजल दिखाई गई है। तो ये है बॉक्स जिसमें ये ह्यूमिडिफायर आता है। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में एक नोजल है, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जिसमें कैसे इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, एक्सपर्ट की जो सजेशन है, क्या इसके फीचर्स हैं, वारंटी है, सब कुछ बताया गया है। यह है एलिन एक्सपोर्टर्स का ह्यूमिडिफायर। पिंक और वाइट कलर में मैंने लिया है, आप इसको और भी कलर्स में ले सकते हो। चलिए इसको बाहर निकालते हैं। ये ह्यूमिडिफायर तीन हिस्सों में आता है, बेस, वाटर टैंक और नोजल। असेंबल होके ये कुछ इस टाइप का दिखता है। आगे की साइड को एक नोब है जिससे फोग को कंट्रोल किया जाता है, मतलब कि कितना आपको वेपर चाहिए आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर एक बटन है जिससे आप इनबिल्ट जो लाइट है उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर एक इंडिकेटिंग लाइट है, पावर कॉर्ड है अराउंड 1.3 मीटर की, एक वाटर टैंक है, नीचे की साइड को एक वाल्व है, आप इस वाल्व को खोल के यहाँ पर पानी भर सकते हो, अराउंड 2.4 लीटर इसकी कैपेसिटी है। बेस की बात करें तो यहाँ पर एक लाइट है, एक गैस्केट है, और इसी के नीचे अल्ट्रासोनिक सेंसर है, कुछ यहाँ पर नोजल्स हैं, वाल्व हैं, नीचे की साइड को वेंट्स है, सर्टिफिकेट है और एक फीचर्स वाला स्टिकर है। चलिए इसमें पानी कैसे भरते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो कैप है इसको उतारना होगा, आप इसमें गंदा पानी बिल्कुल ना भरें, क्योंकि जो अल्ट्रासोनिक टाइप के ह्यूमिडिफायर होते हैं वो पानी को डायरेक्टली वेपराइज कर देते हैं। इनमें क्वार्ट का एक क्रिस्टल लगा होता है जो कि पानी को डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे केस में अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा, और अगर आप उसको इनहेल करते हो या फिर आपकी स्किन में वो टच करता है तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। चलिए टैंक को बंद कर देते हैं। यहाँ पर एक वाल्व है, बिगर इस बटन के प्रेस हुए ये वाल्व पानी को लीक नहीं करेगा, मैकेनिक स्वच्छी है। तो जो पानी है वो नीचे जो नाली है उसमें भर चुका है। चलिए इस डिवाइस को ऑन करते हैं। तो ऑन करते ऊपर से वेपर्स हैं वो निकलने शुरू हो जाएंगे, और दोस्तों ये काफ़ी ठंडे हैं, आवाज़ आप सुन लीजिए,
बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। स्टीमर टाइप के, इवेपोरेटर टाइप के जो ह्यूमिडिफायर होते हैं उनमें काफ़ी आवाज़ हलचल होती रहती है, रात को सोने में डिस्टर्बेंस हो सकती है, बट इस टाइप के जो अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर होते हैं उनमें आवाज़ काफ़ी कम है, या फिर कहा जाए बिल्कुल ये शांत हैं। हल्का सा जो पानी उछलता रहता है उसकी नॉइस रहती है। चलिए फुल कर देते हैं। तो फुल में ये कुछ स्टेप से अमिट करता है। चलिए नोज़ल को भी लगा देते हैं। नोज़ल से दोस्तों यहाँ पर फ़ायदा ये है कि आप अपने हिसाब से जो फॉग है उसको किसी भी डायरेक्शन में भेज सकते हो। और अगर मैं वाटर टैंक उठा दूँ तो आप देख सकते हो कैसे वाटर यहाँ पर, हालांकि बॉयल तो नहीं कहेंगे बट यहाँ पर कैसे उछल रहा है आप देख सकते हो। अगर आप इस टाइप का ह्यूमिडिफायर यूज़ कर रहे हो तो एक हाइग्रोमीटर ज़रूर ले लें, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि करंटली एम्बिएंट में कितनी ह्यूमिडिटी है और आपको इस ह्यूमिडिफायर को किस सेटिंग पर चलाना है। फुल पर चलाना है, मीडियम पर, लो पर, बिल्कुल लो पर, या फिर बंद, तो ये डिपेंड करेगा करंट कितनी ह्यूमिडिटी है। तो एक हाइग्रोमीटर भी आप साथ में ज़रूर ले लें। इस ह्यूमिडिफायर में लाइट भी है, आप इस ह्यूमिडिफायर को एज ए नाइट लैम्प इस्तेमाल कर सकते हो। मल्टी कलर्स लाइट हैं जो कि अंधेरे में काफ़ी अच्छी लगती हैं, ये ब्लू, रेड, पर्पल, ग्रीन, येलो, वाइट, बहुत सारे कलर्स में जलती है। इसको इस्तेमाल करते वक्त मैं एक आपको सलाह दूंगा, नीचे की साइड को एक पुराना कपड़ा बिछा लें ताकि अगर पानी छलकता है या फिर वेपर कंडेंस होते हैं तो नीचे गीला ना हो। यह है एलिन एक्सपोर्टर का अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर, काफ़ी बढ़िया है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनको आए दिन सर्दी खांसी हो जाती है, कंजेशन होती है नाक में, या फिर किसी को साइनस की दिक्कत है, ड्राई स्किन की दिक्कत है, मुंह सूखता है, डैंड्रफ की दिक्कत है, फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, घाव नहीं भर रहा है, तो डेफिनेटली आप इस ह्यूमिडिफायर को मंगवा सकते हो। ये शांत है, बच्चों की नींद को डिस्टर्ब नहीं करता है और काफ़ी कम पावर कंज्यूम करता है। अगर आप इस ह्यूमिडिफायर को लेना चाहते हो, इसका परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाके इसको ले सकते हो। मैं आप इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए और साथ में ये ह्यूमिडिफायर भी, अगर पसंद आता है लाइक बनता है, शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी इस ह्यूमिडिफायर के बारे में जान पाए। नमस्कार।